हाय एवरीवन, सो एग्जाम्स हमारे काफ़ी पास है एंड अब से कुछ ही दिनों में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका FR का 5 डेज का क्या प्लान रहना चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट हम AFM के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि AFM आपको 1.5 डेज में आपको कैसे फटाफट पूरा रिवाइज करके मैक्सिमम चैप्टर्स को कैसे खत्म करना है। सो पहले हम FR के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो FR हमें पता है बहुत वास्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें, और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि मैक्स टू मैक्स चैप्टर्स हम कोशिश तो ये करें सारे चैप्टर्स हम कवर करें, पर एटलीस्ट अगर एक दो चैप्टर्स लास्ट में छूट भी जाए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपके एंड से ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को आप खत्म करो, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखना, ये मेक श्योर करना कि हर चैप्टर से, खासकर जो बिग साइज इंडेक्स है और मिड साइज इंडेक्स है, उनमें से फ्यू क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस भी करना है। सिर्फ आप सोचोगे अभी गो थ्रू करेंगे, नहीं, आपके पास 5 डेज का समय है, 5 डेज में आप कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एटलीस्ट मेक श्योर करो कि हर चैप्टर से 4-5 या 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करो, उससे आपका क्या ग्रिप बनेगा और एग्जाम में जब पेपर आएगा तो आप लिखने की पोजिशन में रहोगे। अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में आपको आते हुए भी आप नहीं लिख पाओगे। ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी हम नहीं लिख पा रहे एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम 5 दिन अलॉट करें तो 29, 30, 31, 1 और 2, ये 5 दिन हमारा रहता है किसके लिए, FR के लिए। तो FR में सबसे पहले आप वही चैप्टर्स उठाओ, मैं चाहता हूँ जो आपको पता है कि उनसे क्वेश्चंस तो आने ही हैं, और ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा सा अलाइनमेंट भी बनाएंगे कि कौन से दिन में क्या करें। जैसे पहले दिन के लिए मैंने रखा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स 115, इंडेक्स 116, ये 3 बड़े इंडेक्स आप पहले दिन ही रिवाइज कर लो। आप बोलोगे सर ये 3 बड़े हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, अगर आपका पहले का पार्ट रखा हुआ आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर नहीं भी हो तो ठीक है ना, आगे नेक्स्ट डे है, हम मैनेज कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे आगे पीछे करके, बट एटलीस्ट अभी तो ये प्लान बनाओ कि नहीं, अभी ये सोचो कि होगा, हम चाहेंगे तो सब कुछ होगा। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप 29 अक्टूबर को एटलीस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स 115, इंडेक्स 116 सब खत्म कर दो, और अगर पॉसिबल हो तो इंडेक्स 41 भी उसी दिन खत्म कर देना। छोटा सा एक चैप्टर और मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे क्या करना है, क्या रिवीजन वीडियो देखना है। रिसेंटली मैंने 2 आवर्स 50 मिनट्स आई थिंक का मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक रिवीजन क्विक रिवीजन वीडियो डाला था। अगर आपको रिवीजन वीडियो नहीं देखना, आप सीधा अपने नोट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है फटाफट करना है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो क्विक रिवीजन वीडियो, ये रिकॉर्डिंग किया था मैंने अच्छी तरीके से, जहां पर कंसेप्ट भी सारे रिवाइज करवा दी इस वीडियो में, और इवन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, खासकर वो तो सब कर नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए, और प्लेलिस्ट हमारा इसका बना हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो आप सोचिए ये 3 आवर का वीडियो आप 1.5 की स्पीड में देखने वाले लोग बंदे हो, है ना, 1.5 में देखने वाले बंदे हो सब, मैं खुद 1.5 में देखता हूँ, तो अराउंड 2 आवर्स में तो आपने वीडियो देख लिया, 2 आवर्स या 1.5 आवर्स में आपने वीडियो देख लिया, फिर 1-1.5 घंटा लगा के जो जो जरूरी क्वेश्चन आपको देख रहे उसको प्रैक्टिस कर लिया। मतलब मेरा मानना है 3-4 आवर्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप पूरा निपटा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगाओगे तो 5 आवर्स लगा देना, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स 115, इंडेक्स 116 मेरे लास्ट बारी रिवीजन लिया था लाइव, जहां पर मैंने लाइव कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 115 के भी और 116 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, और वो 5 घंटे का भी वीडियो नहीं देखा जाता, उसमें भी ब्रेक है आधे घंटे का, यानी अराउंड 4.5 आवर्स में मैंने ये दोनों रिविजन कराया था। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, आप उसके जरिए ये दोनों वीडियो भी देख लिया और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर लिया, तो ये दोनों भी मेरे ख्याल से 6 घंटे में आप आराम से निपटा लोगे। 115, 116, 115 को आप दे दो मान लीजिए 3 आवर्स, 3 से 4 आवर्स आपका लगेगा, 3-4 आवर्स आपका लगेगा 115 में, और 116 में आपका लगेगा 2 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका 2 आवर्स, या ज्यादा से ज्यादा कर लोगे तो 3 आवर्स हो गया आपका, तो 5 मैक्सिमम, इधर 4, इधर मैक्सिमम 3, तब भी 12 आवर्स होता है, इतना लगेगा ही नहीं आपका। मेरे नजर में ये 4 आवर्स लेगा, ये 3 आवर्स लेगा, ये 2 आवर्स लेगा, और फिर इंडेक्स 41 भी आपने लास्ट में कर लिया तो 1 घंटा लगेगा आपका। तो इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप ये कोशिश कीजिए ये पहले निपटा दो एंड कम समय में आपका ये पूरा का पूरा हो जाए। 29 अक्टूबर को आप ये अचीव कर लो, उसके बाद आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा कि हाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 115 से भी अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 116 से भी क्वेश्चन आएंगे तो 8 से 10 नंबर के भी आ जाएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा, एंड अगर भगवान ने चाहा आपने अच्छे से किया तो ये चैप्टर आपको पासिंग मार्क्स दिला देगा, बट हमारी स्ट्रेटेजी पासिंग मार्क्स की नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी हम 80 का स्कोर करें।
आप बोले नहीं सर हम तो 60 सोच रहे हैं। अरे भाई 60 सोचोगे तो 60 आएगा या 40 आएगा, 40-50 आएगा, जितना सोचते वहां मिलता है। सोच बड़ी रहो, सोच बड़ी रखोगे 80-85 की, तब क्या पता 80 आ जाएगा, नहीं भी आए तो 70 आ जाएगा, और नहीं भी आए तो 60 तो आ ही जाएगा। इसलिए सोच बड़ी रखनी है। तो ये सारा आपने पहले किया, रिवीजन वीडियोस के सभी के लिंक दे दूंगा, शॉर्ट रिवीजन वीडियो कम टाइम में आपका हो जाएगा। फिर 30 अक्टूबर को मिड साइज इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे उठाएंगे। आप बोलोगे सर 103-110 का क्या हुआ, लेंगे ना ये, पहले ये नहीं, पहले ये सारे चैप्टर में उठा के खत्म करेंगे अच्छे से। तो 30 अक्टूबर को आप क्या करोगे, इंडेक्स 12, इंडेक्स 19, इंडेक्स 33, 102, 23, 7, 21 और ये 41 अगर उस दिन नहीं कर पाए पहले दिन तो यहाँ पर साथ में ले लेना। ये दोनों भी मैंने मैराथन रिवीजन लास्ट टाइम करा था, एक 5 घंटे का वीडियो था, एक 3 घंटे का वीडियो था, आई थिंक दोनों मिला के टोटल 9 आवर्स का वीडियो था टोटल। ये दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें मैंने कंसेप्ट को भी क्विकली रिवाइज कराया है, जो जो की पॉइंट्स है वो सब क्रक्स नोट्स के जरिए भी कुछ कुछ पढ़ाया था वो सब भी आपको लिंक में रहेगा, और मैंने साथ में क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट सारे रिवाइज करवाए थे क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चन दोनों। तो आप 30 अक्टूबर को ये पूरा रिवाइज कर लो, आप 30 अक्टूबर को ये सभी चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएगी, तो आपको मन में शांति मिलेगी कि हमने ये जो शॉर्ट शॉट आने वाले चैप्टर्स है ये भी निपटा दिए, मिड साइज इंडेक्स भी हमने निपटा लिया पूरा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगे नहीं सर 30 अक्टूबर तक ये नहीं हुआ, हम तो पहले ये सोच रखेंगे 30 अक्टूबर तक हमारा हो जाए, अगर नहीं हुआ इनकेस तो ठीक है थोड़ा सा डेफर कर देंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे समय रखा आपके लिए थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पर तो 30 अक्टूबर के बाद अब नेक्स्ट 31 अक्टूबर को आप सारे स्मॉल इंडेक्स करोगे। आप बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, 103-110 को तो आपने क्या किया, रुको सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छे के लिए बता रहा हूँ, जब बताऊंगा 103 की बात तब आपको समझ में आएगा। आप 31 अक्टूबर को मेरी नजर में आप सारे स्मॉल इंडेक्स कर लीजिए, सारे स्मॉल इंडेक्स का एक मैराथन वीडियो भी है करीबन 10 घंटे का, उसमें सभी स्मॉल इंडेक्स को मैंने क्रक्स नोट से भी पढ़ाया था, वो क्रक्स नोट्स भी आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा। तो वो क्रक्स नोट्स के जरिए मैंने मैराथन लिया था 10 घंटे का, उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आए, बहुत ज्यादा व्यूज आए उसमें, तो आप उसमें देखोगे बहुत ही बेस्ट रिविजन वीडियो, वापस से लेने का सेंस नहीं, ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके अच्छे से हमने लाइव लिया था। तो ये वीडियो के जरिए आपको 1, 8, 10, 34, 108, 37, 24 और उसके जो रेस्पेक्टिव अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी कराया मैंने, जैसे 108 कहीं कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी कवर कराया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हुए यहाँ पर। तो एटलीस्ट आप 31 अक्टूबर को 1, 8, 10, 34, 108, 37, 24, 113, 20 ये सब तो हो ही जाएगा आपका, 68, 13, 16, 38, 40 कर लेना या फिर 36, 105 कर लेना, पर अगर नहीं भी हो थोड़ा सा तो एटलीस्ट ये सारे तो कर ही लेना, पर करना तो पड़ेगा। 16, 38, 40 भी आपने एक वीडियो के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करके आपने कर लिया, और एक इंडेक्स 2 भी एड ऑन कर लेना 31 अक्टूबर को, ये कर लोगे। जब आपने ये कर लिया अच्छे से उसके बाद आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, अब आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं बचा। तो अब 1 नवंबर को आप क्या करोगे, चौथे दिन आप इंडेक्स 103 और 110 करोगे। देखिए इंडेक्स 103-110 से आपका यूजुअली 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी टोटल 20 मार्क्स का भी आ जाता है, एक 14 का एक 6 मार्क्स का, तो इसका वेटेज तो छोड़ तो नहीं सकते हम। तो अभी हम करेंगे 1 नवंबर को तो थोड़ा ताजा ताजा भी रहेगा हमारे लिए, कि हमारा सारा चीज हमें ध्यान में रहेगा, यहाँ पर जो प्री पोस्ट एक्विजिशन ये सब करते हैं वो सारा ध्यान में रहेगा। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है, मैं आपको बताऊँ अगर बुक का क्वेश्चन आए या बुक का क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले नहीं किया बाद में कर लेना, पर आपको अटेम्प्ट जरूर से करना। अटेम्प्ट में क्या करोगे, जैसे देखो कोई भी बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट पूरा बैलेंसड नहीं भी हो रहा आपका कुछ, अगर मान लीजिए कोई एक दो पॉइंट्स ऐसे दे दिए जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे, तो बाकी सारे पॉइंट्स के जरिए आप कोशिश करो, जैसे कंसोलिडेशन में प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का बंटवारा प्रॉपरली कर लिया, एनसीआई का कैलकुलेशन निकाल लिया, बिजनेस आपका जो परचेज कंसीडरेशन का आपने निकाल लिया, गुडविल कैपिटल रिजर्व का आपने कैलकुलेशन कर लिया, ये सब कुछ आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, जितना वर्किंग करोगे उसके भी मार्क्स होते हैं। मैंने देखे सर्टिफाइड कॉपीज जहां पर 16 मार्क्स का या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और वहां पर बैलेंसड बनाया नहीं गया, टैली नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे वर्किंग की वजह से 8 से 10 नंबर मिल जा रहे हैं। तो हम थोड़े ना 14 में 14 चाहते, ठीक है 14 में 14 नहीं भी मिले, अगर 14 में 8 से 10 मिल जाए तो भी कोई खराब नहीं आपके लिए। तो इसलिए आप करके तो जाना, छोड़ना नहीं आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ही दिखता आपको 103-110 से एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपका कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंपलसरी में आ जाए, तो छोड़ना तो है नहीं हमें। हम वो सारा अगर हमारा करा हुआ रहेगा रिवाइज तो एग्जाम में जितना आता उतना करो, वर्किंग वगैरह करके आओ यहाँ पर, है ना। और ये 103-110 भी मैंने अभी रिसेंटली क्विक रिविजन वीडियो लिया था, दोनों आई थिंक
2 से 2.5 आवर्स का था जहां तक मुझे याद है ना, टोटल 5 घंटे का वीडियो होगा 103 110 मिला के, उसमें कंसेप्ट भी सारे गो थ्रू करवाए हैं और क्वेश्चन भी करवाए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन भी सारे करवाए, चाहे वो 103 के सारे बड़े क्वेश्चन हो या 110 को क्विकली रिवाइज कराया, तो वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा। फिर 28111 27 से सर वो क्वेश्चन कर लो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करवाए, सारे नहीं करना छोड़ दो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ कुछ, जैसे लॉस मेकिंग एसोसिएट्स का 28 में क्वेश्चन है, इंडस 111 में भी लास्ट में 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में दिया होगा वो सारे कर लो वहां पर, है ना, एटलीस्ट उतना तो करके जाओ। फिर 36105 में भी मैं ये बोलूंगा सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए वो कर लो कम से कम, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन 36 के इंपॉर्टेंट है, जैसे इलिया लिमिटेड वाला, एक जो नॉशनल गुडविल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन कम से कम आप कर लीजिए। वैल्यू न्यूज का एक अच्छा क्वेश्चन, इंडेक्स 36 का, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिए, तो 1 नवंबर को आपको ये कर लेना, ये सारे अगर आपने 1 नवंबर तक ये सारे आपने अचीव कर लिया, अगर आपको लगता है कि नहीं अचीव नहीं हो रहा है, तो आज जब मैं 20 अक्टूबर को आपके सामने आ रहा हूँ, आज 20 अक्टूबर को आप एक दो चैप्टर निपटा लो, अगर आपके लिए हो तो आज एक दो चैप्टर निपटा लो, इससे क्या होगा, आज आप एक दो चैप्टर निपटा लो और कल या परसों सुबह सुबह एएफएम के एक दो चैप्टर रिवाइज करके बैठ जाना, छोड़ देना एक बार, तो एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा फिर बाद में आपका, वो आपका कॉल है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर आपने ये किया, फिर 2 नवंबर को देखो आपको रिलीफ मिलेगा, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, इंडस 101 रहेगा, इंडस 101 के एटलीस्ट जो बड़े क्वेश्चन है, क्या पता 14 मार्क्स के एग्जाम में दिख जाए, तो इंडस 101 के थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन जो वो एक बार देख लिए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में 2 नवंबर को रखा था, डजंट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब में डाल रखा हुआ है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका भी वीडियो, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन का वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा हुआ है, वो देखने से काम बन जाएगा आपका। और फिर आरटीपी एमटीपी अगर साथ साथ करो, साथ साथ कर लो, लास्ट में नहीं तो एक बार गो थ्रू कर लिया, तो ये आपका 2 नवंबर को ज्यादा प्रेशर नहीं दिया मैं, तो अगर आपका कुछ डेफर होता है कहीं से तो 2 नवंबर को आपका हो जाएगा, है ना। फिर अगर आपका एक दो चैप्टर अगर छूट भी जाता है बाई चांस, तो कोई टेंशन वाली बात है ना, उतना नहीं सोचना आपको, हमें यही कोशिश करना है हम मेक श्योर करें हम ज्यादा से ज्यादा हम कवर करें, तो 2 नवंबर को आप देखिएगा आपको समय मिलेगा, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से जाओगे आपको समय मिलेगा थोड़ा सा। इसके अलावा 3 नवंबर, अब एक और 3 नवंबर भी तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम तो भैया दोपहर को 2 बजे होंगे, तो जब भी आप सो के रात भर आप पढ़ोगे, जो भी सो के उठोगे, तब आप क्या करना, उस टाइम के लिए कुछ पेंडिंग मत रखो, उस टाइम में बस आप गो थ्रू कर लीजिए, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लिया, 103 110 के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थ्रू कर लिया, 115 को भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है देखना वो गो थ्रू कर लिया, वो ऐसे गो थ्रू कीजिए। और आप ऐसा कर सकते हो कि जो पहले 5 दिन आप पढ़ाई करोगे तो आपके जो भी नोट थे कुछ भी है आप उसको फोल्ड कर दो, ऐसा फोल्ड कर दो कहीं कहीं पे जहां पर आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज मुझे एक बार और देखना 3 नवंबर, तो जैसे ऐसे फोल्ड करके रख देना कि हम 3 नवंबर को एक बार और गो थ्रू कर लेंगे अगर नीड लगे तो। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी से आप करिए, और सभी का वीडियो आपको मिलेगा, ये सभी के वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल रखे हुए क्विक रिविजन के, तो वो सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएगी हमारे, वहां पर भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो इसके जरिए आराम से आप एफआर में अच्छे नंबर ला सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है अभी आप 80-85 मार्क्स का ही टारगेट रखो, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएंगे तो कम से कम 60 तो आएंगे, बट 60 का टारगेट रखोगे तो 60 अगर नहीं आया और फिर उधर 40 फिर ऐसे आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमें 15-20 मार्क्स का हमें मार्जिन रखना चाहिए, हम ज्यादा ऊंचा सोचें कि ताकि 15-20 मार्क्स उससे कम भी मिले तो भी हमारा एग्जामिनेशन एटलीस्ट हो जाए, तो ये हमें मेक श्योर करना है, ये बात का ध्यान रखोगे। तो चलिए एफआर के बारे में हमने बातें कर ली, अब हम बात करते हैं एएफएम के रेस्पेक्ट में, एफआर के बारे में जो भी क्रक्स नोट्स है, जो भी रिवीजन वीडियोस के लिंक्स वगैरह, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको फॉलो कीजिए, आपका जरूर से देखना, कंसेप्ट और क्वेश्चन सब अच्छे से कवर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में पैनिक मत कीजिएगा, जितना आता है लिखते जाएगा, पेपर कैसा भी हो आपको बस लिखते जाना, आपको छोड़ना नहीं है, आप ये मत सोचिए पेपर तो टफ आ गया, आया तो सबके लिए टफ आया, आपके अकेले के लिए टफ नहीं आया, तो आपका बस वहां पर 3 घंटा टेस्ट यही किया जाता है कि आपको कितना आता है, तो जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको नॉलेज है, उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, कोशिश ये कीजिएगा, और अवॉइड करना सिली मिस्टेक्स वगैरह जितना हद तक हो सके, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। एक बात और, स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको एकदम अच्छे से आते, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीरियली जाना आपको। अब हम एएफएम की बात करते हैं, तो एएफएम में जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो 1 या 2 चैप्टर अभी एक बार निपटा दो,
ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा उस पर ध्यान ना देना पड़े। खासकर वो एक दो चैप्टर में मैं आपको ये बोलूंगा फॉरेक्स इफ पॉसिबल और डेरिवेटिव्स, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो ये फॉरेक्स डेरिवेटिव्स अभी एक बार आप रिवाइज करके छोड़ दो ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा समय देना ना पड़े। अब एएफएम में क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई बार देखा कि बच्चे क्या करते हैं एफआर का एग्जाम दे के आने के बाद बच्चे अननेसेसरीली बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो टेलीग्राम में ये सब में मैसेज वगैरह करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर लोगों का रिव्यू वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, चाहे मेरा रिव्यू वीडियो क्यों ना हो अब वो सब में टाइम वेस्ट कर देते हो, डिस्कशन वगैरह में टाइम वेस्ट कर देते हो। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा मैं क्या करूंगा पता है, जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ 5 PM को, कितने सारे बच्चे तो 8 बजे लगा देते हैं, 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ है उनको स्वाद आ जाता है दोस्तों से अड्डाबाजी करने में, वहां 1 घंटा खराब कर देते हैं, तो वो आपके लिए आधा घंटा भी कीमती। अब ये सोचो एग्जाम के समय में मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं 5 बजे, हाँ 5 से 10 मिनट किसी से बात की अलग बात है, मैं सीधा फटाफट से ये प्लान करूंगा कि कैसे मैं घर पहुंचू। मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के मैंने कुछ खाया पिया और 1.5 घंटा मैं सो जाऊंगा, मैं नींद लेने की कोशिश करूंगा कम से कम 1 या 1.5। उससे क्या होगा मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद पूरी रात में अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो मैं आपकी जगह होऊंगा मैं यही करूँगा। और आप बोलिए सर नींद नहीं आई तो किताब लेके बैठ जाओ पढ़ते रहो 1 घंटा 2 घंटा, जब नींद आएगी सो जाना। तो 1.5 घंटा आपको सोना बहुत जरूरी, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, अदरवाइज बिना सोए पढ़ने से हमें पता हमारी पढ़ाई की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर आपने 1.5 घंटा सो लिया उसके बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पूरी रात आपकी, रात को फिर आपको क्या करना है आपको मेक श्योर करना है कि 2 नवंबर यानी सॉरी 3 नवंबर एफआर का एग्जाम देने के बाद उस दिन ही अच्छे खासे चैप्टर कवर करने की कोशिश करिए आप। नहीं तो क्या होगा पता है, जो 4 नवंबर होगा उस दिन सभी चैप्टर्स दिखेंगे पेंडिंग, आपका दिमाग आधा काम करेगा आधा नहीं करेगा, क्योंकि आधा दिमाग तो उसी में चला जाएगा यार एक दिन बचा हुआ इतने चैप्टर है कैसे रिवाइज होगा कैसे रिवाइज होगा, इधर टीचर से पूछोगे इधर किसी से पूछोगे क्या करूं क्या करूं, वो टेंशन में पागल हो जाओगे। इसलिए 3 नवंबर को आलसीपंती मत करना प्लीज, 1.5 घंटा सो जाना और ये सोचना अगर 4 नवंबर को एग्जाम होता आपका 3rd की वजह से, सीएस में बैक टू बैक एग्जाम होते, तो अगर 4 नवंबर को अगर आपका एग्जाम होता तो फिर आप क्या करते आजकल, नहीं पहले तो ऐसे होता था सीएस में बैक टू बैक एग्जाम होता था तब तो आप पढ़ते ना, तो आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि 4 नवंबर को एग्जाम होता तो मैं पढ़ाई करता ना। तो 3 नवंबर को अगर आपने मान लीजिए, जैसे मैं नहीं बोलता फॉरेक्स डेरिवेटिव्स वगैरह होता, अब एडवांस कैपिटल बजटिंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन ये आपने कर लिया, म्यूचुअल फंड भी आपने कर लिया छोटा सा चैप्टर, ये 4 चैप्टर कम से कम निपटाने की कोशिश करो। 3 नवंबर इटसेल्फ को कितना टाइम लगेगा, एडवांस कैपिटल बजटिंग 2 घंटा मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, अभी आपका पढ़ा हुआ होगा 2 घंटा से 2 से 2.5 घंटा आपने लगाया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन दोनों मिला के 4 घंटा, म्यूचुअल फंड 1 से 1.5 घंटा, तो ये 7-8 घंटे का जो भी रहेगा आपका ये आपको 3 नवंबर को ही खत्म करना आपको अच्छे से, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 4 नवंबर को फिर आपके टेंशन बढ़ जाएगी आपके, फिर क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन 3 नवंबर को अगर आपने अच्छे से किया हुआ रहेगा तो 4 नवंबर को आपकी चेहरे पे स्माइल रहेगी, आपको लगेगा हाँ मैंने किया तो है। तो फिर 4 नवंबर को सुबह उठे, जब भी उठे आप उसके बाद आप फॉरेक्स पहले मत लीजिएगा, पहले आप डेरिवेटिव्स और IRRM लीजिए, क्योंकि कई बार फॉरेक्स के चक्कर में कुछ कुछ बच्चे पूरा दिन बर्बाद कर देते, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले डेरिवेटिव्स और IRRM ले लीजिए, उसके बाद आप फॉरेक्स और करेंसी फ्यूचर उठाइए। और किसी को अगर मान लीजिए फॉरेक्स में थोड़ा डर लग रहा है वो थोड़ा और डिले कर सकता है, डेरिवेटिव्स IRRM के बाद IFM और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर, और या फिर आप अपने अनुसार पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लिया फिर डेरिवेटिव्स IRRM कर लिया, वो आपका कॉल है आप अपने हिसाब से मेकअप कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है डेरिवेटिव्स IRRM पहले कर लेंगे फ्रेश माइंड रहेगा, उसके बाद हम फॉरेक्स करेंसी फ्यूचर में आ जाएंगे, फॉरेक्स के बाद IFM करना है, फिर लास्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी वीडियो भी डाला है, क्विक रिवीजन वीडियो मैंने डाला है, किसका किसका मैं आपको बता दूं, एडवांस कैपिटल बजटिंग का मैंने कल ही डाला था 2 घंटे का क्विक रिवीजन वीडियो, उसमें कंसेप्ट क्वेश्चन सब रिवाइज कराए। फिर मैंने इसके अलावा सिक्योरिटी बिजनेस वैल्यूएशन का भी कुछ दिन पहले डाल दिया था, वो भी आई थिंक 4 से 5 घंटे का मैं दोनों पूरा क्वेश्चन की सही से पूरा रिवाइज करा है, सारे क्वेश्चन कवर करा है। डेरिवेटिव्स और IRRM का भी सेपरेटली हमने वीडियो डाला था, आई थिंक वही 2.5 घंटे 2.5 घंटे का था, ये तो बहुत कम का था, IRRM तो शायद 1.5 घंटे का था, 1.5 से 2 घंटे का था। तो ये सारे क्विक रिवीजन वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वो क्विक रिवीजन वीडियो के जरिए जो जो मैंने क्विक रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, जैसे एडवांस कैपिटल बजटिंग 2 घंटे का क्विक रिवीजन है, ये 4 से 5 घंटे का क्विक रिवीजन है, ये करवाया मैंने वहां पर। डेरिवेटिव्स और IRRM सेपरेटली 2.5 आवर्स का, 2.5 और 1.5 आवर्स का थिंक है ना, तो ये आपका करीबन 4 घंटे का है क्विक रिवीजन, जिसमें सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हमने। फिर इसके अलावा फॉरेक्स का भी हमने 2.5 घंटे का क्विक रिवीजन वीडियो लिया, जहां पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट
सब हमने गो थ्रू करवाए, अच्छे से क्विकली रिवाइज कराया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आई थिंक 2 घंटे का हमने क्विक रिविजन, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अगर आप बोलोगे सर बचा हुआ आपका जो है उसका, तो बचा हुआ का भी आपका हम देखेंगे। मर्जर्स जैसे है, मर्जर्स मैंने नहीं डाला क्या? अच्छा मर्जर्स हमारा रह गया यहाँ पर, तो मर्जर्स भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। मर्जर्स कैसे छूट गया हमारा? कोई बात नहीं, मर्जर्स भी आपको करना, ये गलती से छूट गया था। तो मर्जर्स भी आपका ऐसे तो थोड़ा डिटेल रिवीजन वीडियो, और मर्जर्स इतना टफ भी नहीं, आप फटाफट से गो थ्रू करके आप उस दिन करोगे। तो सोचो आप, ये देखो आप, अब तो एक चैप्टर और बढ़ गया यहाँ पर मेरे इसमें। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप पहले दिन अच्छे से कैपिटलाइज नहीं करोगे ना, तो दूसरे दिन आपको रोना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है अब ये समझो कि ये तो आपको कम से कम पहले दिन ही अचीव कर लेना। 2 थ्योरी चैप्टर भी रखा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में जो वार के कंसेप्ट और क्वेश्चन है वो कत करने ही करने, भूलना मत। सिक्योरिटी एनालिसिस में भी आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको, ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा हुआ ऑलरेडी, अनलिस्टेड है पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारी भी। इसका भी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो तो कम से कम करना ही है। फिर आप ये सारे प्रैक्टिकल करने के बाद लास्ट में थ्योरी कर लेना। तो ये करा, फिर Day 3 यानी एग्जाम डे में सुबह आपको बस गो थ्रू करना, जो जो आपने पढ़ा उसको गो थ्रू करना, वहां पर भी पन्ने को फोल्ड करना, जहां जहां पर आपको लगता है वापस से देखना, वो काम आप ये करोगे। और अगर मान लीजिए कुछ पोर्शन छूटा है स्टार्टअप सिक्योरिटाइजेशन के, कुछ थ्योरी छूटे, तो वो भी Day 3 को करना है आपको। तो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है यहाँ पर, और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, वो आपका कॉल है। लेकिन ये बस मेन यहाँ पर ये चीज बताने का ये था कि एग्जाम के बाद आके सो जाइए आप थोड़ा सा, और उसके बाद ये चैप्टर कम से कम खत्म कीजिए ताकि नेक्स्ट डे आपका लोड बढ़े ना, ठीक है? सो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी से आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? और वीडियोस भी ज्यादा नहीं, अगर मैं आपको टेलीग्राम में लेके जाऊं, देखिए मैंने टेलीग्राम में आपको शेयर भी किया था, आपको लिंक दिख रहे होंगे, सभी का मैंने लिंक दिया हुआ, आपके जो मैराथन रिवीजन पहले लिए हुए उन सभी का मैंने लिंक दिया हुआ। इस बार क्योंकि कोई मैराथन लेने का मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ कुछ कारण से, तो मैराथन लेने का प्लान नहीं, इसलिए मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे क्विक रिवीजन वैसे ले लिए जो मैराथन जैसे ही है, लेकिन मैंने अच्छे से करा, रिकॉर्डिंग में उल्टा ज्यादा इफेक्टिवली रिवीजन हुआ था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और 103 110 ये सबके। तो ये जो लिंक आपको मिल रहा है ना, ये लिंक से आपके बेस्ट वे में आपका रिवीजन हो जाए, हमें तो एग्जाम में पास करने से मतलब है। और आपको अगर सभी वीडियोस मिल ही रहे, उन सभी वीडियोस के जरिए आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारे लिंक्स आपके टेलीग्राम में भी है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होने का, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ। इतने बच्चे, लाखों बच्चे जब ऑलरेडी सीए बने तो आप भी बन सकते हो, ये सोचे आप। इतने लाखों बच्चे सीए बने हुए तो आप क्यों नहीं बनोगे, आप भी बनोगे। और मैंने इतने बच्चों को पास होते हुए देखा है, सीए बनते हुए देखा है मैंने इतने बच्चों को, उसमें मैंने देखे जो टैलेंटेड बच्चे वो भी सीए बने हैं, जो टैलेंटेड नहीं थे मेरे नजर में जो मुझे लगे टैलेंटेड नहीं है वो भी सीए बने। तो ऐसा नहीं, एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज हो या टैलेंटेड हो, डजेंट मैटर, सीए में ये मायने नहीं रखते। सीए में मायने रखते हैं खुद पे भरोसा कितना है आपको और कितनी आप मेहनत कर रहे हो। अगर ये चीज है तो आप सीए बन जाओ डेफिनेटली। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आगे कुछ सेशन आए तो मिलेंगे। चलो बाय बाय।